जय माता दी आप सभी को। वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो, वेलकम बैक इन अवर न्यू ब्लॉग। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। अब हो रही है सुबह और हम जा रहे हैं, मॉर्निंग के 5 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं अब भैरव पे दर्शन करने। रात को हम दर्शन करके सो गए। जय माता दी। 12 किलोमीटर का सफर हम लोग तय कर चुके हैं और माता के कर चुके हैं दर्शन। जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया, इसी तरह की पिंडी रूप में विराजमान है माता रानी गुफा के अंदर। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने आपको इमेज में दिखा दिया। माता धाम से ऊपर है भैरव घाट जी, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर। तो हम लोगों ने सफ़र तय कर दिया है, भैरव घाटी के लिए निकल पड़े हैं। भैरव घाटी के 2 रास्ते हैं, आप लोग सीढ़ी से भी जा सकते हैं और खड़ी चढ़ाई भी है। माता के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी पर चढ़ने के लिए बहुत थकावट महसूस होती है, थकान होती है और ऐसा लगता है कि भैरव घाटी पर जाना ही क्यों है। कभी कभी तो हम लोग ये सोचते हैं कि भैरव बाबा इतना पापी थे, मतलब माता के पीछे पड़े थे, उसके बावजूद भी इतने ऊपर जाके बैठे हैं। माता ने वरदान दे रखा था कि अगर उनकी यात्रा के बाद भैरव घाटी नहीं जाएंगे तो यात्रा नहीं होगी सफल। तो माताएँ बहनें डंडे के सहारे से चढ़ रही हैं, खच्चर भी जाते हैं यहाँ पे, पालकी भी जाती है और यहाँ पे सुविधा हो चुकी है ट्रॉली की। ये देखिए, भैरव घाटी पे ट्रॉली की सुविधा उपलब्ध है। 100 रुपये या 150 रुपये पर पर्सन जाता होगा, पर मैं कभी भी नहीं गई हूँ, मैं हमेशा पैदल गई हूँ। इस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मुझसे चला नहीं जा रहा था, फिर भी मैं जैसे तैसे भैरव घाटी चली गई। भैरव घाटी के दर्शन करने पर हम लोगों को, भैरव घाटी के पहुँचने पर हमें मिला मंदिर बंद, आरती का टाइम था इसलिए हमें लगा समय। तो आप देख लो भैरव घाटी से माई का धाम कितना प्यारा लगता है, आसपास का व्यू ये देखो। सहारा लेके मैं चढ़ रही हूँ और ये देखो हाथ पकड़ पकड़ के मेरे को चढ़ाया जा रहा है। तो माता के दर्शन के बाद हालत सभी की ऐसी हो जाती है। ऊपर आप पहुँचे हैं माई का दरबार, सुंदर नज़ारा भैरव घाटी का आप सभी देख सकते हो, श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। जय माता दी। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करने, कमेंट करने, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आरती के बाद 2 घंटे बाद भैरव घाटी का खुला है मंदिर, तो बहुत ज़्यादा संख्या में लग चुकी है यात्रियों की भीड़। आप देखो यहाँ पे, और मुझे भी भीड़ वाली लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ये देखिए भैरव घाटी की, आप लोग कीजिए दर्शन और जय भैरव। जय माता दी। भैरव घाटी के दर्शन करने के बाद हम लोग उतराई पे हैं। उतरने के बाद हमें रास्ते में मिला अलबचने का प्रसाद। तो यहाँ पर हम वीडियो को करें एंड, आप लोग वीडियो को कमेंट लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी। वेट फॉर